हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। इस ड्रेस में मैंने 2 कलर के साटन का रिबन का यूज़ किया है, डार्क ब्लू और गोल्डन येलो कलर का यूज़ किया है। इस ड्रेस को मैंने पीछे से टेट्रोन का जो पीस काटते हैं वो मैं 8 इंच का लेती हूँ और सेंटर में से 1.5 या 2 इंच का राउंड निकालती हूँ जहाँ पर हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। ये मैंने 8 इंच का लिया है, सेंटर में से इसे 2 इंच का राउंड बनाया जहाँ पे हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। और ऊपर मैंने दोनों साटन के रिबन से इसकी ऊपर की चोली बनाई है और घेरे में मैंने इस तरह की पत्तियाँ बना के इसे कंप्लीट किया है। इसे बनाना शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम राउंड शेप में एक टेट्रोन का पीस काटते हैं। ये टेट्रोन का पीस मैंने 8 इंच का काटा है और सेंटर में इसे मैं 1.5 या 2 इंच का राउंड में काटती हूँ जहाँ से हम अपनी इसे चोली को अटैच करते हैं। इसे इस टेट्रोन के पीस के दोनों तरफ मैं ब्लू कलर का कपड़ा पेस्ट कर लेती हूँ। आप कोई भी सिंपल कपड़ा इस पर पेस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसके दोनों तरफ ब्लू कलर का कपड़ा पेस्ट कर लेती हूँ। मैंने अपने टेट्रोन के पीस के दोनों तरफ मैंने ये ब्लू कलर का कपड़ा पेस्ट कर लिया है फेविकॉल से और इसे सेंटर में जहाँ पे मैंने 1.5 इंच या 2 इंच का राउंड बनाया था वहाँ पे मैं इसे कट कर लेती हूँ और इसे हाफ करके यहाँ से इसे 2 पीस में काट लेती हूँ जिससे हमारी ये ड्रेस आगे से ओपन हो जाती है। ये सेंटर का घेरा हम 1.5 इंच का भी ले सकते हैं और 2 इंच का भी ले सकते हैं। तो इससे मैंने दोनों तरफ इसमें ब्लू कलर कपड़ा पेस्ट कर लिया है। अब इस तरह के हम 2 कलर के साटन के रिबन लेते हैं। एक मैंने डार्क ब्लू कलर का साटन का रिबन लिया है और एक मैंने गोल्डन येलो कलर का साटन का रिबन लिया है। इन दोनों साटन के रिबन की हम 4-4 इंच की पट्टियां काट लेते हैं। इस तरह हम इसकी 4 इंच की पट्टी काट लेते हैं। ये ब्लू कलर की काट ली मैंने, अब ये गोल्डन येलो कलर की भी मैं 2 पट्टियां काट लेती हूँ। अब इन दोनों ब्लू कलर की पट्टियों को आपस में इस तरह हम हॉट ग्लू से चिपका लेते हैं। इससे मैंने दोनों पत्तियों को, दोनों ब्लू कलर की पट्टी को आपस में इस तरह चिपका लिया। दूसरी वाली अब जो हमारी गोल्डन येलो कलर की पट्टी है बीच में ये गैप बनता है, इसमें से इस पट्टी को मैं इस तरह डाल लेती हूँ। जहाँ पे हमने हॉट ग्लू लगाया था वहाँ पे वापस से मैं हॉट ग्लू लगाती हूँ। इसको इस तरह आगे की तरफ करते हुए इस पे तिरछा चिपका देती हूँ। अब वापस से मैं लगाती हूँ। इसको भी इधर से मैं इस तरह तिरछा चिपका लेती हूँ। तो इस तरह हमारी एक ये एक पत्ती बन जाती है। मैं आपको दूसरी पत्ती बना के बताती हूँ। ये मैंने ब्लू कलर का रिबन जो हमने 4 इंच का काटा था इसे आपस में इस तरह दोनों मुंह को हम आपस से चिपका लेते हैं। फिर जो हमने दूसरा कलर का रिबन गोल्डन येलो कलर का काटा था वो उसके अंदर इस तरह डालते हैं, या नीचे हम इसमें गम लगाते हैं। आप इसे फेविकोल से या फैब्रिक ग्लू से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिलाई मशीन से भी हम इसे कर सकते हैं। अब इसके ऊपर दोबारा लगा के हम इसका दूसरा मुँह भी
इस तरह हम इसकी, ये हमारी एक दूसरी पत्तियों बन गई, इस तरह हम इसकी पत्तियां और बना लेते हैं। तो मैंने इसकी बहुत सारी पत्तियां बना ली। अब इन सभी को हम अपने घेरे के ऊपर अटैच करते हैं। अब इन पत्तियों को मैं अपने घेरे के ऊपर चिपकाती हूँ। पहले हमने जहाँ से ओपन किया था वहाँ से हम इसे लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हॉट ग्लू लगाती हूँ यहाँ पे और अपनी एक पत्ती को इस तरह यहाँ पे चिपकाती हूँ। इसके पास में अपनी दूसरी पत्ती को चिपका देते हैं। इस तरह चिपकाते हुए अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने इसमें अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसका सेकंड राउंड लगाती हूँ। तो सेकंड राउंड हमें दो पत्तियों के बीच में लगाना रहता है। इस तरह हमें सेकंड राउंड इस तरह लगाएंगे। तो मैं सेकंड राउंड स्टार्ट करती हूँ। इस तरह मैं सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ये थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने तीनों रो कंप्लीट कर ली और ये हमारा ये घेरा कंप्लीट हो जाता है। अब जहाँ जहाँ हमने ब्लू रिबन है वहाँ वहाँ हम एक एक स्टोन लगाते हैं। ये मैंने राउंड कलर के स्टोन लिए ना प्लास्टिक वाले, ये स्टोन में फेविकोल से एक एक लगा देती हूँ। इस तरह सभी जगह स्टोन लगाते हुए मैं इसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह हमने सभी जगह ब्लू वाले रिबन के ऊपर एक एक स्टोन लगा के इस घेरे को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैं एक 11 इंच की सीधी पट्टी लेती हूँ। इस पट्टी के ऊपर मैं दोनों तरफ ब्लू कलर का रिबन और सेंटर में गोल्डन येलो कलर का रिबन फेविकोल से चिपका लेती हूँ। इस तरह मैं ये तीनों रिबन इस पट्टी पे चिपका लेती हूँ और एक्स्ट्रा कपड़े से जो मैं काट देती हूँ। अब मैंने सीधी पट्टी के ऊपर तीनों रिबन लगा लिए, दोनों साइडों में ब्लू कलर का लगाया, सेंटर में मैंने गोल्डन येलो कलर का रिबन लगा के ये चोली की पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके दो पीस कर लेती हूँ। इस तरह से दो पीस बन जाते हैं। अब इसके दोनों पीसों पे जहाँ पे हमने दोनों रिबनों का जॉइंट है वहाँ के ऊपर हम एक एक स्टोन की रो कंप्लीट लगा देते हैं। नीचे के से थोड़ा सा छोड़ के इस पूरी रो के ऊपर मैं एक एक स्टोन की रो लगा देती हूँ। इससे मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी और दोनों पट्टियों को मैं कंप्लीट कर लेती। अब मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर स्टोन लगा के अपनी चोली की दोनों पट्टियों को कंप्लीट कर लिया है। अब इन दोनों पट्टियों को हम अपने घेरे के ऊपर
अटैच कर देते हैं। जहाँ से हमारा खुला हुआ हिस्सा है उसके एक तरफ इस तरह ग्लू गन से लगा देते हैं और फिर दूसरी तरफ इसको इस तरह लगा देते हैं। बंदे चोली के दोनों पट्टियों को घेरे पे अटैच कर दिया। इस तरह हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।